वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नमाज के लिए मिनिमम तीन छोटी या एक बड़ी आयत काफ़ी होती है। तो तीन छोटी आयत से मुराद इन्ना आतैना कल कौसर, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तो ये तीन छोटी आयतें हो गई। यकुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अगर कोई इतना पढ़े तो ये तीन आयतें हो गई। इसके मुकाबले में अगर कोई बड़ी एक आयत भी पढ़ लेता है तो वो उसके बराबर है। तो आयतुल कुर्सी में तो 10 जुमले हैं, उनमें से तो खाली तीन जुमले भी पढ़ लिए जाएंगे तब भी अदा हो जाएगी। तो एक आयत के लिए उसकी लेंथ देखी जाती है कि जो उसमें स्टेटमेंट्स कितने हैं। आयत तो हम एक कुरान की इस्तिलाह है जिसमें फासले मौजू के हिसाब से, मजमून के हिसाब से रखे जाते हैं, लेकिन उसमें बाज़ औक़ात एक ही लंबी आयत के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। मसलन सूरह बकरा में जो सेकंड लास्ट रुकू है सूरह बकरा का, उस वो एक आयत है पूरी और दूसरी आयत छोटी है उसमें रिलेटिवली, लेकिन एक पूरे सफ़े पर एक ही आयत है जो आयत दैन कहलाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फ़क्तुबूह। वो पूरा एक सफ़ा जो है एक आयत है, तकरीबन 13 लाइनें बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा हों उसमें, लेकिन बहुत सारे जुमले हैं। तो इतनी लंबी जब आयत हो तो उसमें से खाली एक आयत पढ़ना तो बहुत ज़्यादा है, वो एक पूरा सफ़ा ज़ाहरी बात है बहुत किफ़ायत कर जाएगा। इसी तरीके से बाज़ औक़ात एक रुकू होता है पूरा और उसमें एक ही आयत बनती है, तो मकदार जो है उसकी उसके वॉल्यूम से अंदाज़ा होता है, नंबर ऑफ आयात से नहीं। छोटी हो तो नंबर ऑफ आयात होनी चाहिए। इन्ना आतैना सबसे छोटी है, बस उससे छोटी तीन आयतें कोई पढ़े मसलन तो वो अदा नहीं होगी। तो उसमें कम से कम तीन आयतें होनी चाहिए छोटी छोटी। अब कोई आदमी कहे कि मैंने कौफ वल कुरान मजीद ये दो आयतें हो गई, सौद ये भी एक आयत हो गई अगर वल कुरान जिक्र के साथ, तो तीन ऐसे नहीं। इतनी छोटी छोटी अगर आयतें हैं तो तीन होनी चाहिए मिनिमम, उसमें एक आयत नहीं चलेगी, दो भी नहीं चलेंगी, कम से कम तीन होनी चाहिए। तो मिनिमम वॉल्यूम जो तिलावत करना है नमाज में उसके वाजिब को अदा करने के लिए, वो छोटी आयतें हों तो तीन और उससे बड़ी आयत लंबी लंबी साइज की, दो आयत दो एक ही आयत दो लाइन की हो, तीन लाइन की हो, तो अगर दो तीन लाइन की कोई एक आयत है तो वो अकेले काफ़ी है। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء. अब ये आयत लंबी सी है, एक आयत पढ़ ली काफ़ी है। तो आयतुल कुर्सी भी इसी तरह से वो एक ही आयत है लेकिन उसमें 10 जुमले हैं, तो मोर देन इनफ है। तो उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि वो तीन आयतों के बराबर है, इसलिए है कि तीन आयतों से भी बल्कि वो बड़ी है। उम्मीद है इससे वजाहत हो गई होगी।